हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवधेश कुमार, आई बिलोंग टू बिहार नवादा इट सेल्फ और मैं आपको टेलीकॉम के बारे में बताने जा रहा हूँ, 5G के बारे में बताने जा रहा हूँ, हाई इंटर स्पीड डाटा के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे भारत में 13 महानगरों में ये लॉन्च होने वाला है। प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा ये 13 महानगरों में लॉन्च किया जा रहा है। ये हाई स्पीड डाटा है और ये ITI मद्रास के सौजन्य से हमारे भारत में पूरा ये कह सकते हैं ये लॉन्च किया जा रहा है। तो ये हाई स्पीड डाटा हम लोग जल्द ही इसका यूज करेंगे और ये एक अक्टूबर से इसका पूरे भारत में इसका शिलान्यास श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसका उद्घाटन 1 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव, जो हमारे देश के रेल मंत्री और जो है टेलीकॉम मिनिस्टर भी है, इसको पूरे इंडिया में लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2024-25 में पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगा। बट ये है जो अभी तत्काल में कह सकते हैं, फर्स्ट पेज में कह सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद और यमुनानगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इसे 13 महान कह सकते हैं महाशहरों में या महानगरों में इसे लॉन्च किया जा रहा है। और ये जितने भी सारे ये बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल कह सकते हैं, जियो कह सकते हैं, ये मिलकर जो 2.5 लाख करोड़ के लागत से ये इसका जो है पूरे खर्च इस पे आ रहा है। तो इसका हम लोग 5G डाटा का यूज हम लोग कर सकते हैं और ये हाई स्पीड डाटा है और ये कह सकते हैं कि 100 MB/s हम लोग इस भारत में इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। और हम लोग जो हैं ये 4G जिस तरह से ये लॉन्च हुआ था हमारे इंडिया में और इंडिया में पूरे क्रांति ला दिया था, जियो और एयरटेल ने पूरा इंडिया में इस जो 2G डाटा को नीचे करके ये 4G डाटा ऊपर आ चुका था और हम लोग को हाई स्पीड डाटा 4G यूज कर रहे थे। बट हम लोग जो हैं ये इंटरनेट का जो है 5G लॉन्च होगा और ये 20 गुना जो है 4G से अधिक चलेगा और कह सकते हैं कि 100 MB/s हम लोग इस हाई स्पीड डाटा का इंडिया में यूज करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही हम लोग को फायदा मिलने जा रहा है। कह सकते हैं आप लोग इसका लुत्फ़ उठाने जा रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि 4G आपका कैसा चल रहा है, कितना पर सेकेंड आप यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ एयरटेल और जियो जो है टावर के पास में हूँ। ये मशीन जो है आपको 24 आवर्स यहाँ चलते रहता है, ये मशीन कभी बंद नहीं होता। अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग जो इस कह सकते हैं 4G का लुत्फ़ तो नहीं उठा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और मैं यहाँ का पूरे इस टावर को मैं दिखा रहा हूँ। आदित्य सहगल, आप दिखाइए, मेरे साथ आदित्य सहगल है और यहाँ बहुत जल्द ही इससे 4G को यहाँ हटा कर यहाँ 5G यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा और हम लोग को हाई स्पीड डाटा का हम लोग लुत्फ़ ले सकेंगे। तो आप लोग को आई होप ये वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।